सोनम वांगचुक लद्दाख में प्रोटेस्ट कर रहे थे जिसकी वजह से इन्हें हाउस अरेस्ट कर दिया गया। लेकिन क्यों? अगर आप नहीं जानते सोनम वांगचुक कौन है तो एक इंजीनियर और इनोवेटर है जो कि जाने जाते हैं अपने एजुकेशनल कैंपसेस सेकमॉल और हियाल की वजह से, जो कि पूरी तरह से इको फ्रेंडली है एंड ये कुकिंग के लिए किसी भी तरीके के फॉसिल फ्यूल और इलेक्ट्रिसिटी का यूज नहीं करते। पर ये प्रोटेस्ट क्यों कर रहे थे? पहला था लद्दाख में शेड्यूल 6 की मांग। अब क्योंकि लद्दाख में 95% पॉपुलेशन ट्राइबल्स की है, ये शेड्यूल इन कम्युनिटीज को सेल्फ गवर्निंग डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स बनाने की इजाजत देता है जिसकी वजह से ये अपने राइट्स को बचा सके। और दूसरा है एनवायरनमेंट की सुरक्षा। लद्दाख में फ्रेश वाटर की बहुत कमी है एंड सभी लोग ग्लेशियर्स पर डिपेंड करते हैं, इसीलिए अगर यहाँ डेवलपमेंट के नाम पर लोग इंडस्ट्रीज लगाने आते हैं तो उसकी वजह से पानी की कमी और हो जाएगी और वहाँ होने वाले पोल्यूशन की वजह से ग्लेशियर्स भी पिघलने लगेंगे। बट सोनम वांगचुक ऐसा नहीं चाहते एंड इन्होंने क्लेम किया था कि गवर्नमेंट ने हियाल कैंपस में हाउस अरेस्ट कर दिया था जिससे कि ये किसी प्रोटेस्ट में हिस्सा ना ले सके। लद्दाख के सिचुएशन पर आपके क्या थॉट्स हैं? लेट अस नो इन द कमेंट्स।